कौन है नए सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी? मोदी ने उपेंद्र द्विवेदी को ही क्यों चुना? उपेंद्र द्विवेदी से क्यों कांपने लगे चीन पाकिस्तान? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि तीसरे टर्म में कुछ बड़े और कड़े फैसले होने वाले हैं, और लगता है मोदी ने वो काम शुरू भी कर दिया। और शायद इन फैसलों की शुरुआत मोदी ने सीमा से शुरू की है, क्योंकि हमारे दो पड़ोसी पाकिस्तान और चीन हर वक्त मुंह बाए खड़े हैं भारत को निगलने के लिए। लेकिन पिछले 10 सालों में इन दोनों ने बदलते भारत की ताकत को देखा है, और ताकत को भांपते हुए उनकी अकल ठिकाने पर भी लगी हुई है। लेकिन अब भारत ने ऐसा फैसला किया है जिसके बाद चीन पाकिस्तान कांपने लगे, क्योंकि अब भारतीय थल सेना की कमान उपेंद्र द्विवेदी के हाथ में है। 30 जून को उपेंद्र द्विवेदी को नया थल सेना अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। तो आज आपको बताएंगे कि कौन है उपेंद्र द्विवेदी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। इससे पहले उपेंद्र उपसेना प्रमुख के तौर पर काम कर रहे थे, और सेना प्रमुख के पद को अब तक जनरल मनोज सी पांडे संभाल रहे थे। कौन है नए सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी? 1 जुलाई 1964 को जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को 15 दिसंबर 1984 को भारतीय सेना की इन्फेंट्री में कमीशन मिला था। लगभग 40 सालों की अपनी लंबी और प्रतिष्ठित सेवा के दौरान वो विभिन्न कमानों, स्टाफ, प्रशिक्षण संबंधी और विदेशी नियुक्तियों में कार्यरत रहे। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी की कमांड नियुक्तियों में रेजिमेंट 18 जम्मू कश्मीर राइफल्स, ब्रिगेड 26 सेक्टर असम राइफल्स, महानिरीक्षक असम राइफल्स और 9 कोर की कमान शामिल है। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने सेना प्रमुख के रूप में नियुक्ति से पहले 2022 से 24 तक महानिदेशक इन्फेंट्री और जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी इसी साल 15 फरवरी को उप सेना प्रमुख नियुक्त किए गए थे। उन्होंने ऑपरेशन रक्षक के दौरान चौकी बल में एक बटालियन की कमान भी संभाली थी। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी के पास चीन और पाकिस्तान की ओर से दी जाने वाली चुनौतियों की गहरी समझ है, क्योंकि वो उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में 2 साल तक जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। उपेंद्र द्विवेदी ने DSSC वेलिंगटन और आर्मी वॉर कॉलेज महू में भी पढ़ाई की है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल को USAWC कार्लिसले USA में प्रतिष्ठित NDC समकक्ष कोर्स में विशिष्ट फेलो से सम्मानित किया जा चुका है। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने रक्षा और प्रबंधन की पढ़ाई में MPhil और सामरिक अध्ययन और सैन्य विज्ञान में 2 स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की हैं। उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक और 3 GOC-IN-C प्रशस्ति पत्र से भी सम्मानित किया जा चुका है। उपेंद्र द्विवेदी कश्मीर घाटी और राजस्थान के रेगिस्तान में भी सक्रिय आतंकवाद के खिलाफ कमान संभाल चुके हैं। भारत म्यांमार सीमा पर प्रबंधन संभाल चुके हैं। भारतीय सेना के आधुनिकीकरण में भी वो शामिल रह चुके हैं। आत्मनिर्भर भारत के रूप में स्वदेशी उपकरणों को सेना में शामिल करने में भी उनकी अहम भूमिका रही। बिग डेटा, एनालिटिक्स, AI, क्वांटम और ब्लॉकचेन आधारित समाधानों जैसी अहम और उभरती हुई तकनीकों को भी बढ़ावा दिया है। तो जितनी उपलब्धियां आपको गिनवाई हैं, उससे आप समझ गए होंगे कि उपेंद्र द्विवेदी कौन है और क्यों इन्हें ही सेना प्रमुख के रूप में चुना गया। भारतीय सीमा सुरक्षा के लिहाज से भारत सरकार का बड़ा और अहम कदम माना जा रहा है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि उपेंद्र द्विवेदी के सेना प्रमुख बनते ही चीन पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी है। तो उपेंद्र द्विवेदी की उपलब्धियों, उन्हें सेना प्रमुख बनाए जाने पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।